तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है और कहीं ना कहीं आज कोहिनूर की तरह चमकना होगा गेंदबाज राहुल को। चलिए इस समय 6 गेंदें और 11 रन। और यहां पर देखना होगा शानदार बॉल डॉट रही, 5 गेंदें 11 रन। पांच गेंदों पर 11 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। लगातार साथी खिलाड़ी गेंदबाज को हिदायत देते हुए, क्या कारनामा कर पाएंगे राहुल, क्या यहां से चमत्कार दिखा पाएंगे फरहान। 5 गेंदें 11 रन। जैसा ये मुकाबला होना चाहिए था उसी अंदाज में ये मुकाबला होता हुआ, नॉकआउट दौर इस समय चलता हुआ। जो भी टीम इस मुकाबले को गवाएगी, इस आयोजन से उसकी विदाई होनी है। जो टीम ये मुकाबला जीतेगी उस विजेता की ट्रॉफी की ओर एक और कदम बढ़ाएगी। 5 गेंदें 11 रन। और इस बार उठाकर खेला है, मिस टाइम किया है, फील्डर उसके नीचे, 8वें विकेट का पतन। शानदार बॉलिंग वहां पर राहुल की, रेहान को वापस जाना होगा, 8वां विकेट गवाया है। माफी चाहूंगा, फरहान आउट हुए हैं। और अब अगले बल्लेबाज जाहिद, अगले बल्लेबाज जाहिद पहुंचे हैं और जाहिद के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी बची हुई, 4 गेंदों पर 11 रन। कहते हैं ना कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे उस वक्त तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। तो बची हुई 4 गेंदों पर 11 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को। वहीं 2 विकेट चाहिए के तारिक 29 को। ऊंट किस कर बढ़ जाकर बैठेगा, जीत का सेहरा किसके सर पर सजेगा, कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। शानदार ये मुकाबला चलता हुआ, 4 गेंदें और 11 रन। जाहिद होंगे स्ट्राइक पर, गेंदबाज राहुल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। चले इस समय और इस बार जड़ में फेंकी हुई बॉल, खेला इसे लॉन्ग ऑन की ओर सिंगल के लिए, 1 रन। अब 3 गेंदें और 10 रन। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज रेहान, जो कि बनमैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों पर 10 रन। बची हुई अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी, 10 रन की आवश्यकता। लगातार साथी खिलाड़ी हिदायत देते हुए अपने गेंदबाज को, और रेहान वनमैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के जो सारे समर्थक हैं, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले इस बल्लेबाज की ओर निहार रहे हैं। बची हुई 3 गेंदों पर 10 रन की आवश्यकता, ये मुकाबला किस ओर जाएगा, कौन और एक कदम आगे बढ़ाएगा, किसकी इस आयोजन से विदाई होगी, ये तो आने वाली वो 3 गेंदें फैसला कर देंगी। राहुल तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, लगातार फील्ड प्लेस में तब्दीली करते हुए लेफ्ट हैंड बैटर के लिए। रेहान लाजवाब बॉल, शानदार बॉल, और थर्ड एम्पायर के लिए रेफर किया गया आशीष भैया। व्हाइट के लिए रेफर किया गया है, व्हाइट चेक की जा रही है।
और अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी। दो गेंदें और 10 रन, बची हुई दो गेंदों पर 10 रन की आवश्यकता। बची हुई दो गेंदों पर 10 रन की आवश्यकता। कहते हैं ना कि जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। रेहान को इस समय जुगनी की तरह चमकना होगा। दो गेंदें 10 रन, और एक बार अपने रन में थोड़ी सी दिक्कत, एक बार फिर अपने बॉलिंग मार पर वापस जाते हुए गेंदबाज राहुल। सभी दर्शक अपनी जगह से खड़े हो चुके हैं, अंतिम दो गेंदों का खेल बाकी है। दो गेंद और 10 रन, क्या ये कारनामा कर पाएंगे बल्लेबाज रेहान? और अंपायर का इशारा, आउट करार दिए गए, वहां पर नो बॉल थी। और अंतिम जोड़ी मैदान पर होगी, 9 विकेट गवा चुकी है। दो गेंदों पर अब 8 रन की आवश्यकता। फ्री हिट होगी, बल्लेबाज बल्लेबाज जाहिद के लिए फ्री हिट होगी। बड़ा अच्छा मौका है, अंतिम दो गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता। फ्री हिट बल्लेबाज जाहिद के लिए, क्या वो कारनामा कर पाएंगे? अंतिम दो गेंदों पर 8 रन, अंतिम जोड़ी मैदान पर, फ्री हिट है इस समय। और वाइट का इशारा, फ्री हिट बरकरार है। दो गेंदों पर 7 रन, फ्री हिट बरकरार है ये। और अगर मुकाबला टाई होता है तो बॉल आउट से फैसला होगा। दो गेंदें और 7 रन, फ्री हिट। और इस बार कितनी दूर, जितनी बल्लेबाज ने चाही उससे भी काफी दूर। इस छक्के के साथ मुकाबला टाई हुआ है, स्कोर लेवल अभी जाऊंगा, स्कोर लेवल हुआ है। अभी भी एक गेंद बाकी है और 1 रन की आवश्यकता। अगर मुकाबला टाई होता है तो बॉल आउट से फैसला होगा। अंतिम गेंद पर 1 रन, अंतिम गेंद पर 1 रन, जाहिद ने छक्का लगाकर स्कोर लेवल किया है। शानदार छक्का लगाया, सांसें थाम देने वाला ये मुकाबला, इससे अच्छा मुकाबला हो नहीं सकता। एक गेंद और 1 रन, स्कोर लेवल हो चुका है। एक गेंद 1 रन, अंतिम जोड़ी मैदान पर सारे समर्थक बाउंड्री लाइन पर आ चुके हैं। इससे शानदार मुकाबला हो नहीं सकता। ये मेजबानी है भोपाल की, आतिथ्य आदरणीय मोनू भैया का। शानदार मुकाबला, अंतिम गेंद और 1 रन। डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब को अंतिम गेंद पर 1 रन चाहिए, स्कोर लेवल हो चुका है। अगर यहां से मुकाबला टाई होता है तो बॉल आउट से फैसला होगा। जाहिद ने छक्का लगाकर स्कोर को लेवल किया है। फील्डिंग बिल्कुल क्लोज कर दी गई है उस सिंगल को रोकने के लिए। राहुल तैयार, बिल्कुल क्लोज फील्डिंग लग चुकी है उस सिंगल को रोकने के लिए। राहुल चले इस समय,
सामने होंगे बल्लेबाज जाहिद, शानदार छक्का लगाकर स्कोर को लेवल किया है। शानदार ये मुकाबला के तारिक 29 वर्ष है, डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब। थोड़े से मैदान के बाहर हो जाएं सभी दर्शक, बाउंड्री लाइन से थोड़ी सी दूरी बना लें, हम आपसे निवेदन करते हैं सभी दर्शक। अंतिम गेंद, एक रन अंतिम जोड़ी, चले समय बॉलर और लीजिए यहां से मुकाबला जीत लिया है। नजाकत दिखाई, डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने यह मुकाबला जीता है। लख लख बधाइयां, शानदार प्रदर्शन जिसके तहत ये मुकाबला जीता है डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ने, ढेर सारी बधाइयां देते हैं हम उनको, शानदार प्रदर्शन रहा। और अब अगला मुकाबला एस के इंटरप्राइजेज ओबिदुल्लागंज वर्सेज शिव शक्ति। टॉस का सिक्का उछाला गया, गिरा है। एस के इंटरप्राइजेज ओबिदुल्लागंज के पक्ष में उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है, तो फील्डिंग के लिए आए जल्दी, मैदान को खाली कर दें सभी लोग। एस के इंटरप्राइजेज ओबिदुल्लागंज फील्डिंग के लिए, मिलते हैं ठीक 5 मिनट बाद फिर आपके साथ बॉल टू बॉल कॉमेंट्री के साथ। धन्यवाद।